हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस द बायोलॉजी ऑफ 10th क्लास। सो इन 10th क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ह्यूमन हार्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। देखिए ह्यूमन हार्ट क्या है। इट इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर या मस्कुलर फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, मुट्ठी के आकार की होती है। कैसे होती है? फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर एंड फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, आप देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं। ह्यूमन हार्ट में कितने चैंबर होते हैं? फोर। कितने चैंबर होते हैं? फोर। फोर चैम्बर। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर होते हैं? फोर। कौन कौन से? ऊपर एट्रियम होते हैं, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये फोर चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ऊपर जो है ना एट्रियम होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होते हैं। अब ये यहां पर ये लंग्स। ओके, अब लंग्स क्या करते हैं? लंग्स से ऑक्सीजन आती है। ये कैसे वर्क करता है? लंग्स से ऑक्सीजन आती है लंग से एक वेसल्स ऑक्सीजन लेके आती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये हमारा जो है ना ब्लड कहां से चला, ब्लड सर्कुलेशन देख रहे हैं। ह्यूमन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है? तो लंग्स क्या करते हैं, लंग्स से एक वेन चलती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड बिल्कुल ब्लड को कैरी करती है। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, ओनली द वेन, पल्मोनरी वेन इज दैट विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। केवल पल्मोनरी वेन जो होती है वो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, बाकी कोई भी वेन जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं ले जाती। और ये कहां पर आया? ये पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आया। पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर मैं समझा रहा हूं। इसके बाद में यहां पर बाल्ब होता है एक, जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड बाल्ब। ठीक, इसके बाद में ये ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन ऑर्गन से ब्लड जाता है सिंपल, मैं आपको ऐसी बना के दिखा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं इसको। एक बाल्ब होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ओके, अभी हम जो है ना ब्लड की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स जी, अब हमारा देखिए ब्लड कैसे स्टार्ट होता है। ब्लड जो लंग्स है, लंग्स ने ऑक्सीजन ली, ठीक है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और ऑक्सीजन लेने के बाद में इट सेंड्स टू ऑक्सीजन, इट गोज
पाया पल्मोनरी बैंड, लंग्स ने क्या किया ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये क्या किया इसने कौन सा वाला हाईवे पकड़ा, पल्मोनरी बैंड वाला हाईवे पकड़ के, और ये कहां पहुंची जाके ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद में ये क्या करता है लेफ्ट एट्रियम में ये ट्राइकस्पिड बॉल, और ट्राइकस्पिड बॉल से होता हुआ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी बाइकस्पिड बॉल, ये यहाँ पर ये बाइकस्पिड बॉल होता है, बाइकस्पिड बॉल से होता हुआ ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, व्हेन इट रीचेज लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर दैट इट गो थ्रू एओर्टा, एक होती ए एओर्टा बैंड, ऑर्टा से होके क्या होता है सारे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जितने भी ऑर्गन होते हैं ऑर्टा से, यहाँ से केवल एक ही बैंड निकलती है जो जिसे ऑर्टा बोलते हैं, ऑर्टा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो ऑर्गन्स को जाती हैं, वहां पर ये ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो देखिए जर्नी ऑफ द ब्लड, ब्लड स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम लंग्स एंड टेक पल्मोनरी बैंड या बाय पल्मोनरी बैंड रीचेज इन द लेफ्ट एट्रियम आफ्टर लेफ्ट एट्रियम बाया bicuspid ball, it goes into left ventricle. After left ventricle, it take aorta. It take aorta wala route. It take a route from aorta and goes into organs. और organs में जाके क्या करता है? जितना भी क्योंकि oxygenated blood है ना? Oxygen rich blood है, तो ये क्या करता है? सारे organs में जो है ना oxygen supply करता है। यहां से चला ऑक्सीजन रिच ब्लड था, तो जितने भी ऑर्गन्स में जाता है ये सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, अब ये जब यहां से चला था तो ऑर्गन्स तक जाते जाते इसके पास जो है ना ब्लड ऑक्सीजन जो है खत्म हो जाती है। अब यहां पर जो ब्लड आता है ये हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड, और यहां से जो चल रहा था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब यहां पर ये डीऑक्सीजनेटेड होगा, अब डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद में ये क्या होता है, ये पहुंचता है जाके कहां पर राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद में ये जो है ना यहां पर ये होता है ट्राइकस्पिड बाल से ये पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में जाके ये पकड़ता है कौन सा रूट, वेना कावा, और वेना कावा में यहां आने के बाद ये वेना कावा से पकड़ के ये दोबारा पहुंचता है लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सपेल्ड आउट एंड दोबारा से ये क्या करता है ऑक्सीजन को टेक करता है। तो देखिए यहां से चला था लंग से ब्लड चला था, ब्लड गोज इनटू लेफ्ट एट्रियम फर्स्ट बाय पल्मोनरी बैंड एंड बाय द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड इट गोज इनटू लेफ्ट वेंट्रियम आफ्टर दैट इट टेक एओर्टा एंड गोज इन टू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सप्लाई द ब्लड सॉरी सप्लाई द ऑक्सीजन आफ्टर फिनिशिंग देयर इट्स ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, इसके बाद इट गोज राइट एट्रियम, इट गोज राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में जाने के बाद में विद द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड बाल It goes into lungs. Okay. Lungs में जाता है। This is the journey of the blood. Blood यहां से चलता है और ऐसे यहां पहुंचता है। Okay. इससे आप पूरा लिख सकते हैं ब्लड कहां से चलता है, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, नाम सारे चैम्बर्स के, और जर्नी ऑफ द ब्लड पूरी लिख सकते हैं। ओके, enough for today. थैंक यू।